हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 24 मार्च 2019 है, संडे का दिन है। और जो आपके पास अपडेट लेके आया था, निफ्टी बैंक पे लेके आया था। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है 22 तारीख को, एडवांस दिन है और डिक्लाइन नो है, मीन्स डाउन साइड ज़्यादा है। और 250 पॉइंट का डाउन, ये अप लेकर के भी 250 पॉइंट का डाउन लिया, जो एक क्रुशियल चीज़ है और एक अच्छा खासा पॉइंट तोड़ा इसने। देखेंगे तो जहाँ ओपन 29,920 पे हुआ, हाई 30,000 का बनाता है, लो 29,508 का होता है, और लास्ट जो होता है लो की और ही क्लोजिंग देता है। सिर्फ आपको देखेंगे तो 29,508, 29,582, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लेता, 60-70 पॉइंट का लेता, और 250 पॉइंट के डाउन साइड पर ये क्लोजिंग दे देता है। जहाँ पे IDFC, एक्सिस बैंक और यस बैंक में थोड़ी सी मजबूती दिखा रही है, क्योंकि ये फॉल के बाद मजबूती दिखा रहे थे। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं, ये तीनों बैंक में आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें एक स्पाइक आ रहा है। और जो प्रॉफिट बुकिंग देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, SBI में हो रहा है और HDFC में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इन सेक्टरों में जो अच्छा खासा चल गया, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी। और जो ये तीन सेक्टर है जो चले नहीं थे, उन पे थोड़ा सा अब हो रहा है, बाइंग हो रही है। तो यस बैंक ध्यान रखे, कॉशियस पैटर्न है। 245 के बाद इसको हो सकता है नीचे की ओर जाए, लेकिन 245 के इस आप बाई कर सकते हैं इसको। और 266 और 288 जो यस बैंक में मैंने अपडेट दिया, वहाँ तक जा सकता है। तो आगे क्या है, आगे आप देखेंगे। अगर मैं इसको चार्ट पैटर्न पे भी देखूँ, अगर जाकर के निफ्टी बैंक को, तो आप ये मैं डेली बेसिस पे देख रहा था, तो डेली बेसिस पे देखेंगे ये जो 3 दिन का गेन था, एक दिन में उसने ख़त्म कर दिया। और इसके लो को टच करने, जहाँ इसका हाई वॉल्यूम था वहाँ तक की कोशिश की टच करने की। तो कहीं ना कहीं जो इसको पहला सपोर्ट था, जहाँ ये पहला हाई था लगभग 29,400 के आसपास, ये वहाँ से स्पाइक लिया है। तो अब जो लग रहा है कि ये जो आपको डेली बेसिस पे ये जो स्पाइक मिली थी, यहाँ से जो फॉल का एक पैटर्न बना था, बना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ऊपर चला गया था। और मैं अगर 4 घंटे के आवर्स पे देखूँ, तो ये जो इंडिसेसिव कैंडल बना, फिर यहाँ हैमर बना, इंडिसेसिव बना, हैमर बना, इंडिसेसिव बना, ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये इसके पहले के लेवल, जहाँ पे एक फर्म डिसीजन था, यहाँ तक मीन्स 28,800 या 29,000 का एक लेवल बोले, तो वहाँ तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको एक बार जाते हुए दिखे। अगर मैं इसको डेरिवेटिव पे भी देखने की कोशिश करूँ, तो 29,582 पे बंद हुआ 28 मार्च 2019 का। और आप जब देखेंगे 29,582 एट द मनी जाके 29,500 को देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 4,800 पोजीशन से 29,500 पे एडिशन हो रहा है। 2,47,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है। वहीं इधर देखेंगे तो 29,500 पे 60,000 से बाइंग पोजिशन बनी और क्यूमुलेटिव 6,46,000 का हो रहा है। ऊपर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, देखेंगे 29,700 पे 1,05,166, 1,42,929 पे, 30,000 पे देखेंगे तो 2,63,000। अभी इससे ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर सारा और शॉर्ट ही किया जा रहा है। मीन्स जहां आप देखेंगे कॉल साइड में शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, लोगों को ये बिलीव है कि अब ऊपर शायद मार्केट थोड़ा एक बार नीचे की ओर जाएगा, और जाना भी होगा तो उसके बाद जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की ओर शॉर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो पोजीशन है नीचे की ओर बाइंग हो रही है। 73,000, 52,000, 41,000 और 4,21,000 जो 29,000 पे यहाँ पे अनवाइंड भी हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है 4,21,000 पे। तो कहीं ना कहीं 29,000 से 29,000 के बीच में ये पोजीशन आपको इस महीने की क्लोजिंग तक होता है, हो सकता है देखते हुए। अभी जो दिख रहा है शायद 29,000 की ओर एक बार जाते हुए मंडे को भी हो सकता है डाउन पैटर्न पे खुले वो, और आपको नीचे की ओर जाए 29,000 तक, और फिर 29,000 से वहाँ पे सपोर्ट ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट अब इसके बाद नीचे जाएगा, ये इस महीने भी नीचे नहीं जाएगा और अगले मंथ भी चांसेस नहीं है इसका नीचे जाने का। ये 2 कंटिन्यू मंथ रहेंगे जो आप साइड में दिखेंगे आपको इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकता है कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये मंथ के क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कि अगले मंथ की क्लोजिंग कैसे रहने वाली है। अगर इसी मंथ में ये बहुत हाइक बना के चला जाता है, तो लास्ट महीने ही प्रॉफिट बुकिंग आनी चालू हो जाएगी। तो ये लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए अब संभावना क्या है कि इसको एक दो कल अगले महीने भी खेलना है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, वापस 29,000 की ओर जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर की ओर आएगा 29,500 की ओर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस रेंज में 29 से 30,000 का रेंज ये पूरा वीक को खेलना चाहिए। और हो सकता है कि 500 पॉइंट और नीचे जाए 28,500, उससे नीचे नहीं जाने वाला ये। तो आपको अगर डायरेक्ट फ्यूचर में खेलना है, तो हर फॉल के बाद, हर 500 पॉइंट के फॉल के बाद फ्यूचर में बाइंग ऑप्शन। अभी ऑप्शन ट्रेड इसलिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेड में, इसकी वैल्यू गिरेगी। तो बेहतर है फ्यूचर में जाएं आप इसमें, और हर 500 पॉइंट पे आपको कम से कम 4 लॉट खरीदने पड़ेंगे। तो आप अगर इसके 29,000 पे जाता है, तो वहाँ 1 लॉट खरीद दिया, फिर 28,500 जाता है, तो वहाँ पे बाई कीजिए। तो फ्यूचर आपको बाय करना है और हर 400 से 500 पॉइंट डिप पे बाय करना है, और फ्यूचर पे बाय करना पड़ेगा आपको, और आपको कम से कम 5 लॉट के लिए रखना पड़ेगा पैसा।
तभी आप मार्जिन उसको मेंटेन करेंगे तभी, क्यों ऐसा है कि 28 देखो ये ऊपर तो जाना है, इसको अप्रैल भी मोस्ट प्रोबेबली इसको अप ही रहना है, तो जब अप्रैल अप रहना है तो यहाँ पे ऐसा, अरे एक साथ इसको भाग के अभी 32,000 नहीं पहुंचना है, तो ये इसको अगर 31,500 तक जाना है, 32,000 तक जाना है, तो अप्रैल एंड तक जाना है या मई के इलेक्शन रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक जाना है, वहां पे तक अगर चला गया तो हो सकता है कि वहां से आइदर आपको फर्स्ट हुक में जैसे अनाउंसमेंट होगा तो वहां पे प्रॉफिट आएगी 1,000 बन जाएगा, और वहां से फिर आपको डाउनफॉल जाएगा, और कंटिन्यू 2 मंथ उसके बाद आपको हो सकता है डाउनफॉल पे रहेगा। मई के बाद जो होगा मोस्ट वाली जून 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 का मंथ होगा, या मई आपको जो क्लोजिंग होगी बहुत डाउनफॉल पे होगी इलेक्शन रिजल्ट के बाद, क्योंकि जो प्रॉफिट आना है जो रिजल्ट आना सब आ चुका होगा, जिसकी जो तैयारी करनी होगी कर चुका होगा, जिसको ट्रेडिंग यहाँ फंसाना होगा फंस चुके होंगे, तो उसके बाद जो क्लोजिंग आएगी वो डाउन ट्रेंड की ओर आएगी, और जून भी डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आप मई तक आप मान सकते हैं इसको मार्केट को लेकर इनको नीचे नहीं जाना है, एटलीस्ट लास्ट पोर्ट ऑफ इलेक्शन, तो मतलब अप्रैल एंड तक तो मार्केट नीचे नहीं जाने वाला किसी भी हालत में, ऐसा फील हो रहा है और ऐसा पोजिशन पे बनते हुए दिख भी रहा है। तो आपको जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ 31,500 और 32,000 वहां तक जाने की उसकी चांसेस हैं, अगर 30,064 क्रॉस करता है तो 30,064 अभी इस महीने में मुझे नहीं लगता है कि ये क्रॉस करेगा, एक बार नीचे की ओर जाएगा फिर ऊपर की ओर जाएगा ऐसे पोजीशन करके, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत से बहुत 28,500 तक जाकर के सपोर्ट ले लेगा। ये क्यों ले लेगा 28,500 पे सपोर्ट, क्योंकि उसका एक कारण है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जब ये यहाँ पे जब लास्ट प्रीवियस जो गया था 28,300 28,400 यहाँ से एक इसका हाई था, तो वहीं पे आकर के हो सकता है कि वो डिप ले और वहां से जाए। ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है आपको आपको 4 आवर्स पे भी, तो यहाँ पे भी आपको जो देखा डबल कैंडल है तो ट्रिपल कैंडल फॉर्मेशन होगा ही होगा, और नहीं भी कुछ होगा तो 29,300 29,400 तक तो इसको जाना ही है, 29,000 पे जाए या नहीं जाए 29,250 300 और फिर उसके बाद आपको ये 29,000 की ओर जाते हुए दिखना चाहिए, इससे ज्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको लगता है 29,500 या 29,000 की ओर जाएगा फिर वहां से, तो ये ज्यादा वीक में 28 तारीख में बचा नहीं है, इसी बीच में ये क्लोजिंग करते हैं। अगले महीने वापस अगर ऐसा रहा ट्रेंड तो अगले महीने वापस आपको स्पाइक दिखेगी, वो वापस आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट ऊपर की ओर दिखेगा, और 30,064 अगर क्रॉस करता है तो आप मान के चलिए 31,500 पे ही रुकेगा, ये उसके पहले नहीं रुकेगा, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। एक और बैंक था जिसपे मैं ये वॉच कर रहा था तो वो है सिटी यूनियन बैंक, और सिटी यूनियन बैंक में आप देखेंगे तो अच्छा खासा इसने एक ही दिन में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छे खासे वॉल्यूम वेटेड एवरेज के साथ इसने ब्रेक दिया हुआ है, और जहां इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज 198 था वहां पे 200.55 का क्लोजिंग देता है, एक अच्छी खासी स्पाइक आई हुई है, और आप स्पाइक देखिए तो यहाँ इंडिसिसिव कैंडल बनने के बाद क्या स्पाइक लिया है, तो ये अब एक बार अप ट्रेंड पे है, और आपको अगर यहाँ पे चाहिए डेली बेसिस पे चाहिए तो ये सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर गया है, तो आप इसी कैंडल का बॉटम लगा लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 190-155 जो है, या आप इसको स्टॉप लॉस समझ लीजिए, और इसको बाइंग कंडीशन पे आप बने रह सकते हैं। हो सकता है कि ये अपने प्रीवियस हाई को जो इसने 223 बनाया था वो टच करने की कोशिश कर सकता है अगर, लेकिन वहां से वापस फिर फॉल की ओर भी जा सकता है। तो एक एक चीज ये है कि आप इसको एक बार वॉच लिस्ट पर रखें, पहला तो 207 यहाँ पे आप पहले ये समझिए जो इसका अभी रिसेंट हाई है 207 का वो टच करने की कोशिश करेगा ये, और उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो वहां से 223 की ओर जाएगा, नहीं तो ये ट्रिपल आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम ऑलरेडी ये फॉर्मेशन हो जाएगा इस लेवल पे 304 रुपये पर डबल फॉर्मेशन, अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता तो वापस ये अपने फॉल को दिखाएगा और वापस ये आ जाएगा 178 पे। तो इसमें दो चीज वाचे रखिएगा कि इसको अगर ऊपर जाना है तो इसको 204 3 रुपया 4 रुपया जो है यहाँ से एक बार इसको क्रॉस करना पड़ेगा, अगर क्रॉस नहीं करता चूंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत ही अच्छे से डिलीवरी लिया है इसने और अच्छे खासे परसेंटेज से डिलीवरी वॉल्यूम हुई है इसमें सिटी बैंक में, इसके कारण मैं आपको लगता है कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर पोजिशन देखेंगे तो सिटी बैंक में 22 लाख जहाँ पे इसका 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख का हो रहा था 22,42,000 का वॉल्यूम होता है एक दिन में, और ये सिर्फ कल हुआ है, और आप देखेंगे 67% की डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी तो पहले भी 80% 82% हुआ था लेकिन कल का जो वॉल्यूम है इस सारे वॉल्यूम को क्रॉस करते हुए 15 लाख, इसके पहले 13,80,000 का डिलीवरी हुआ था 18 मार्च को हुआ था, तो वहां से भी उसने 90 से 92 भागा था, इस बार जो भागा है वो 92 से सीधा 200 का लेवल क्रॉस किया है, तो एक स्पाइक लगता है इसमें, और अगर ये 204 क्रॉस करता है तो 207 207 के बाद 222 की ओर जाता हुआ ये आपको दिख सकता है। तो सिटी यूनियन बैंक में वॉचलिस्ट लगे, लेकिन आप चाहें तो इसके मिड को हाई को एक ना कोई स्टॉप लॉस आप बना के चले, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है इसको तो 195 एटलीस्ट जो इसका लो है 191 55 इसका जरूर स्टॉप लॉस इतना मेंटेन करें,
ये 223 की ओर भी जा सकता है और ये तोड़ता है तो वापस 173 की ओर, जो अपने पुराने लो था इसको वहाँ पे जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है 175 की ओर। तो पहला तो यहाँ पे स्टॉप करेगा, ये स्टॉप 193। आप चाहें तो इसको यहाँ पे ये जो इसका हाई है 195-196 ये लेवल पे स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं आप इसका। अगर आप इसको देखें तो 196 ठीक है, आप 196 पे इस पे स्टॉप लॉस रख लीजिए जो पहले यहाँ दो बार टच किया है, तो 196 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो या 195 का रख लीजिए, 195-196 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रह सकते हैं। ऊपर ये 207-223 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है, तो कहीं ना कहीं एक बार इसमें स्पाइक बनी है, अच्छी स्पाइक बनी है। और आप देखेंगे चाहे मंथली हो, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, सारे में आप देखेंगे जो करंट 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो उसको क्रॉस करते हुए ऊपर का स्पाइक ले रहा है। हर लेवल पे मैं देखने की कोशिश करूंगा, तो ये हर लेवल को मूविंग एवरेज को चाहे डेली पे हो चाहे वीकली पे हो, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस कर चुका है, वीकली पे क्रॉस कर चुका है, मंथली पे क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे भी क्रॉस कर चुका है। तो सिटी यूनियन बैंक पे वॉच लिस्ट रखें, ये हो सकता है 222 की ओर जाते हुए आपको दिखे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस पोजीशन बन रहा है, उसका सिर्फ ये कारण है ये जो डेली बेसिस पे कैंडल फॉर्मेशन किया, इसने दो दिन के सारे गेन को क्लोज खत्म कर दिया। और एक डेली बेसिस पे देखें तो ये सिंगल पैटर्न का हैंगिंग पैटर्न टाइप का है, तो ये ऐसा नहीं बन सकता, इसके बाद एक पैटर्न और इसको बनाना ही पड़ेगा। तो वो शायद 29,300 पे आके सपोर्ट ले ले यहाँ तक, और नहीं तो वापस 29,000 के आसपास आके सपोर्ट लेगा। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, व्यू था, मेरा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप पेपर ट्रेड करें, सीखें या जानें और फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके मार्केट में पोजीशन बनाएं। ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।